हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सतीश, आपको स्वागत है फैंटेसी विद शत्रुघ्न चौबे चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग T20 का 19 T20 मैच के बारे में। अगर टाइमिंग की बात किया जाए भाई, ये जो मैच आपको 7:30 बजे रात को खेला जाएंगे और ये मैच स्टार्ट होने में अभी काफ़ी टाइम बचे हैं भाई। ये मैच आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेज कराची किंग्स के बीच में खेला जाएंगे और वेन्यू की बात किया जाए तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी पाकिस्तान में खेला जाएंगे। तो भाई, इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा, एक भी डिटेल मैंने नहीं छोड़ा भाई। सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मैं एनालिसिस करके बताऊंगा, कौन कौन सा प्लेयर को लेना चाहिए, कौन सा बेंच प्लेयर की स्टैट्स भी आपको बताऊंगा। उसके बाद जो हम लोग टीम बनाते हैं भाई ड्रीम इलेवन की फाइनल टीम, उसका भी स्टैट्स आपको मैं अपडेट करके पूरी डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। बेंच प्लेयर, टीम फॉर्म, पॉइंट्स टेबल, हेड टू हेड, प्लेयर स्टैट्स, प्लेइंग इलेवन, सब कुछ आपको मिलेगा भाई। बस आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और आपसे मैं एक डिमांड रखता हूँ भाई, कुछ नहीं, आप इस वीडियो पर 10 लाइक तक टारगेट रीच करा दीजिएगा, क्योंकि अगर आप रीच करेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरे भाइयों मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी सपोर्ट की वजह से, आपकी सपोर्ट की वजह से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ भाई, आपको एक बेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए, आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है भाई, पिच रिपोर्ट, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइन करते हो बिना पिच जाने आप अगर टीम बनाओगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो इस ग्राउंड पे पूरे 8 मैच खेले गए, इसमें 3 मैच जीते हैं भाई पहला बैटिंग करने वाली टीम और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 5 बार जीते हैं और टाई यहाँ पर एक बार भी नहीं हुआ। एवरेज पहला इनिंग स्कोर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 163 रन है भाई, यहाँ पर अभी 160 से 170 रन तक बन सकता है। हाईएस्ट स्कोर की बात किया जाए तो पेशावर जल में की है भाई यहाँ पर, तो पेशावर जल में 197 रन बनाए, तो अबो स्कोर 190 भी 2 टाइम्स है भाई, लेकिन 200 इस ग्राउंड पर नहीं बना अभी तक। उसके बाद लोएस्ट स्कोर की अगर बात किया जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड है भाई, 91 पे 7 विकेट है। 150 के नीचे स्कोर अगर बात किया जाए तो 2 बार बने, 150 से 170 के बीच में 1 बार बने, 170 से 190 के बीच में 3 बार बने, लेकिन यहाँ पर 200 एक बार भी नहीं बने, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर जो है इस पिच पे यहाँ पर 197 है, वो पेशावर जलमी का वो स्कोर है भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर फेस बॉलर, स्पिन बॉलर कितने विकेट लेंगे ये भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फेस बॉलर को इस पिच पे 76 विकेट मिले भाई और स्पिन बॉलर की अगर बात किया जाए तो 39 विकेट है। तो यहाँ पर हम लोग को पता चल रहा है कि ये जो पिच है भाई, फेस बॉलर्स को मदद मिलेगा। ये रहा भाई पिच रिपोर्ट। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा, लेकिन इसके पहले आप देख लीजिएगा लास्ट 5 मैचेस ऑन दिस वेन्यू क्या, एक बार देख लेना भाई अच्छे से। तो लास्ट 5 मैचेस ऑन दिस वेन्यू की बात किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पेशावर जल में जो हाईएस्ट स्कोर है भाई, लास्ट जो मैच है उसी का स्कोर है यहाँ पर। तो यहाँ पर पेशावर जल में इस मैच में आसान से जीत गए, पहला बैटिंग करने वाली टीम जीते। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान के बीच में जो हुआ भाई, बारिश की वजह से यहाँ पर 9 ओवर तक 1 ओवर तय किया गया था ये मैच, और यहाँ पर मुल्तान ये मैच यहाँ पर 9 विकेट चेज जीते, 7 ओवर में टारगेट को चेज कर दिया 6.4 ओवर में। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर जल में के बीच में जो मैच हुआ था भाई, ये डे लाइट की मेथड से यहाँ पर पेशावर जल में 7 रन से जीत गया था। तो यहाँ पर 195 बड़ा स्कोर बना था भाई। उसके बाद अगर बात किया जाए तो पेशावर जल में क्योटा ग्लैडिएटर के बीच में हुआ था, तो पेशावर जल में 30 रन से जीते थे। उसके बाद पेशावर जल में कराची किंग्स के बीच में, तो कराची यहाँ पर सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 6 विकेट से जीते। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पिच आपको किस प्रकार बिहेव करना आपको समझ में आता होगा भाई, लेकिन आपको फाइनल टीम फर्दर अपडेट जो होगा भाई आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे चुका हूँ भाई, इसके साथ साथ कॉमेंट सेक्शन में भी पिन कर चुका हूँ। अगर लिंक ओपन नहीं होता उसका क्या प्रोसेस है आपको मैं बताऊंगा, तो लिंक आपको कॉमेंट सेक्शन और के साथ साथ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं। एक बार जाके लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे। अगर लिंक ओपन नहीं होता तो आपको मैं प्रोसेस बता दूंगा, लेकिन वो लास्ट में बताऊंगा भाई, क्योंकि पहले हम लोग को इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है। पहले आप मेरे इंफॉर्मेशन को देख लीजिए, उसके बाद मेरे चैनल पर जज करना भाई, क्योंकि यहां पर मैं मानता हूं 6000 लगभग सब्सक्राइबर से कम है भाई यहां पर, लेकिन मेरे चैनल के कंटेंट पर एक बार देखना, मैं मस्त से काम कर रहा हूं भाई, अब मस्त से आपको मैं जिताऊंगा अभी। उसके बाद भाई यहाँ पर दोनों टीम की प्लेइंग इलेवन और स्टैट्स एक बार देख लेना। इस्लामाबाद यूनाइटेड की पहले बात कर लेते हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज है, राइट हैंड बैट्समैन, विकेट कीपर है। तो यहाँ पर एक अर्धशतक है 62 आपको नजर आ रहे हैं भाई, 23 रन बनाए। कोलिन मुंड्रो है भाई यहाँ पर, अगर इनकी बात किया जाए एक अर्धशतक है 38 और 18 रन लास्ट मैच में बनाए। राशिब एंडरसन यहाँ पर पहले 3 मैच अच्छे खेले लेकिन लास्ट 2 मैच में 1 रन और 3 रन बनाए। सदाब खान इस टीम का कप्तान है भाई, राइट हैंड बैट्समैन, ऑफ स्पिन बॉलर है, 4 रन 2 विकेट 12 रन 2 विकेट, तो लगभग हर मैच में विकेट ले रहे हैं भाई। और लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम ये है कि अभी तक ये कोई स्कोर नहीं बना पाए, क्योंकि स्कोर बनाने की एबिलिटी सदाब खान में है, लेकिन अगर ये फॉर्म में आएंगे, बैटिंग अगर अच्छी करेंगे तो टीम बहुत काफ़ी स्ट्रांग हो जाए भाई। उसके बाद यहाँ पर विकेट कीपिंग पे अजाम खान भी एक विकेट कीपर है भाई, लास्ट मैच में 4 रन बनाए और प्रीवियस मैच में 97 44 रन है। अजाम खान यहाँ पर अंडररेटेड प्लेयर है भाई, जिनको बहुत कम लोग ले रहे हैं लेकिन बड़े छक्के लगा सकते हैं भाई यहाँ पर, तो आप इनको जरूर टीम पे रखिएगा। आसिफ अली है भाई, लास्ट मैच में 3 रन बनाए,
42 चार 5 रन इस प्रकार बनाए। हसन अली अगर बात किया जाए तो यहाँ पर कुछ मैचेस से इनको मौका मिल रहा है, तो अगर लास्ट 5 मैच में देखा जाए भाई इनके नाम पे पूरे अगर देखा जाए तो 10 विकेट है भाई, 5 मैच में 10 विकेट कम नहीं होते, और एक्सपीरियंस इनके पास है ये आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुबासिर खान है भाई, लास्ट मैच तो नहीं खेले, और उसके बाद अगर बात किया जाए तो फाहिम अशरफ है, लास्ट मैच पे 4 रन 0 विकेट है भाई। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हर मैच पे विकेट टेकर बॉलर है, 5 मैच पे 2 विकेट हैं। फाजल हक फारूकी यहाँ पर 3 विकेट हैं, लास्ट 5 मैच में इनके नाम पे 5 विकेट है। जीशान जमीर की अगर बात किया जाए तो 0 रन 0 विकेट है, अगर कुल देखा जाए तो लास्ट 5 मैच में इनके नाम पे 3 विकेट है। तो भाई ये है इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्लेइंग 11, लेकिन यहाँ पर बेंच प्लेयर पे कौन खेलेंगे आपको ये बताऊंगा, लेकिन इससे पहले भाई कराची किंग्स की भी प्लेइंग 11 और स्टैट जानना काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप देख लीजिए एडम रॉसिंगटन है भाई, यहां पर अगर इनकी बात किया जाए तो देख सकते हो राइट हैंड बैट्समैन है, लास्ट 5 मैच में इनका स्कोर देख सकते हो 35-1, 6-57, 15 रन है, तो आप इनको ले सकते हो भाई। जेम्स विंसी अवेलेबल नहीं था तो इनको मौका दिया गया था। उसके बाद मैच्यू वेड है भाई, लगभग हर मैच अभी अच्छे खेल रहे हैं, थोड़ा स्ट्राइक रेट इनका कम हो गया भाई, लेकिन यहां पर ये स्ट्राइक रेट इंप्रूव कर लेंगे, काफी स्ट्रांग प्लेयर है भाई, यहां पर एक्सपीरियंस इनके पास है, आईपीएल खेले हैं और यहाँ पर बिग बॉस लीग, दुनिया की जो दो बड़े लीग है भाई दोनों लीग ये खेलते हैं, तो आप इनको जरूर टीम पे रखिएगा। तैयब ताहिर लास्ट मैच में 6 रन बनाए, लेकिन प्रीवियस मैच में अगर देखा जाए तो लास्ट 4 मैच में इनके नाम पे 4 अर्धशतक है, ये जानना आपको काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको जरूर टीम पे रखिएगा। शोएब मलिक 1 ही रन बनाए भाई, इरफान खान यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 4 रन है, लेकिन शोएब मलिक आप एक ऑफ स्पिनर के रूप में भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर ये कभी भी मैच को पलट सकते हैं। उसके बाद आते हैं भाई बेन कटिंग की अगर बात किया जाए लास्ट मैच में 15 रन है, तो इनका रोल अभी यहाँ पर इस सीजन अच्छा नहीं जा रहा भाई, क्योंकि इनको बॉलिंग भी ज्यादा नहीं मिल रहा, जब बॉलिंग मौका मिल रहा तो विकेट भी ले रहे हैं, लेकिन भाई इकोनॉमी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो आप इनको टीम पे रख सकते हो। अगर आप इन पे भरोसा है तो कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है आपको चाहते हो तो ग्रैंड लीग के लिए बना लीजिएगा, क्योंकि ग्रैंड लीग एक रिस्क पिक होते हैं भाई, तो आप उनकी रिस्क पिक में लेके आप बेन कटिंग को ले सकते हो, लेकिन फिलहाल इनकी जो फॉर्म है बहुत खराब जा रहा है। इमाद वसीम लास्ट मैच में 57 रन 0 विकेट है भाई, हर मैच में अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं और इस टीम का कप्तान जो है भाई कप्तान की तरह खेल रहे हैं, तो यहां पर इनको जरूर टीम पर रख लीजिएगा। आमिर यामिन लास्ट मैच में 8 रन 0 विकेट, लास्ट 3 मैच में कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो लास्ट 5 मैच में इनके नाम पे 5 विकेट है। तबराज शमसी है भाई, लास्ट मैच में 1 विकेट है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक मैच नहीं खेले थे, उसके बाद यहां पर देखा जाए तो इनके नाम पे 6 विकेट है लास्ट 4 मैच में। अकीब जावेद आते हैं भाई, यहां पर लास्ट मैच में 7 रन 0 विकेट है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहां पर लास्ट 6 मैच में इनके नाम पे 7 विकेट आप चाहे तो ले सकते हो, लेकिन मोहम्मद अमीर की जो कमबैक रहा भाई लाजवाब रहा है, क्योंकि मेन बाबर आजम जैसे बड़े प्लेयर्स के विकेट में मोहम्मद हरीस का विकेट में तुरंत ही लिया भाई मोहम्मद अमीर, इसलिए बोलते हैं कि एक्सपीरियंस काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो अपने एक्सपीरियंस को भरपूर यूज किए मोहम्मद अमीर, लास्ट मैच में 4 विकेट लिए, और अगर कराची किंग्स लास्ट मैच जीते तो ये सबसे बड़ा अहम रोल रहा मोहम्मद अमीर का, क्योंकि इस तरह कमबैक करना आसान नहीं होता है, लेकिन लाजवाब कमबैक रहा है। तो भाई हमने दोनों टीम की प्लेइंग 11 और स्टैट्स तो देख लिए, अब बेंच प्लेयर पे किसको लेना चाहिए चलिए आपको मैं दिखा देता हूं। तो भाई बेंच प्लेयर पे अगर देखा जाए तो पहला इस्लामाबाद यूनाइटेड की जान लेते हैं, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में अगर देखा जाए तो एलेक्स हेल्स है भाई, यहां पर इनकी देख लीजिए लास्ट 5 मैच में स्कोर कार्ड है। उसके बाद शोएब मकसूद है, 8 रन 61 रन इस प्रकार, एक मैच में 61 रन बनाए लेकिन मौका नहीं मिल रहा। हसन नवाज राइट हैंड बैट्समैन है भाई, यहाँ पर 21 रन 24-5 रन है। पॉल स्टर्लिंग को भी मौका नहीं मिल रहा। मोहम्मद वसीम है भाई, 0 रन 1 विकेट है। उसके बाद अगर देखा जाए तो रोमन राइस है, यहाँ पर 1 विकेट है, तो अगर मौका मिलेगा तो रोमन राइस को देना चाहिए भाई। और उसके बाद अगर देखा जाए तो एलेक्स हेल्स की फॉर्म बहुत खराब जा रहा है, तो यहाँ पर इनको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ये रहा भाई यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की यहाँ पर बेंच प्लेयर। अब जानेंगे भाई कराची किंग्स की बेंच प्लेयर पर अगर देखा जाए तो काफी प्लेयर है। शार्जिल खान है, तो यहाँ पर मौका मिला लेकिन प्रूव नहीं कर पाए भाई। हैदर अली की भी यही हाल है, तो यहाँ पर ये दोनों फ्लॉप रहे। कसीम अकरम 7 रन 0 रन 1 विकेट इस प्रकार है, अगर लास्ट 5 मैच में देखा जाए तो इनके नाम पे 3-4 विकेट है भाई, कोई बड़ा स्कोर इनसे नहीं बना है। एंड्रू टाई तो अभी तक नहीं खेला भाई। मीर हमजा अगर बात किया जाए तो 1 विकेट 0 विकेट, तो यहाँ पर लास्ट 5 मैच में 4 विकेट है, तो इनको मौका मिल सकता है लेकिन अभी मुश्किल है। मोहम्मद उमर को मौका मिला भाई, अच्छे भी प्रूव किए, लेकिन यहाँ पर जब से मोहम्मद अमीर आए लास्ट में तो इनको मौका नहीं दिया गया, लेकिन ये आ सकते हैं भाई आज की प्लेइंग 11 पे रह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि लास्ट 5 मैच में देख लीजिए 3-5-8-9-13-14 विकेट इनके नाम पे। इमरान ताहिर को बहुत मौका मिला भाई, लेकिन यहाँ पर इस सीजन प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन एक्सपीरियंस है भाई, अगर देंगे तो एक्सपीरियंस के रूप में। जेम्स विंसी अवेलेबल नहीं हो सकते, अगर ये अवेलेबल होगा तो आप इनको जरूर खेला लीजिएगा, आपने प्लेइंग 11 में रखे, आप चाहे तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं, क्योंकि अच्छे फॉर्म है। मोहम्मद मूसा है भाई, लास्ट मैच में 2 विकेट हैं, अगर ओवरऑल देखा जाए तो इनके नाम पे लास्ट 5 मैच में इनके नाम पे 6 विकेट है। तो ये रहा भाई कराची किंग्स की
बेंच प्लेयर। तो यहाँ पर हमने प्लेइंग 11 भी देख लिया, बेंच प्लेयर भी देख लिया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहा है भाई। उसके बाद जानेंगे दोनों टीम के बीच हेड टू हेड कितने बार हुए। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड इस सीजन में तो यहाँ पर पूरे ओवरऑल देखा जाए तो 13 बार जीते हैं भाई हेड टू हेड पे, और कराची किंग 6 बार। तो यहाँ पर इन दोनों टीम के बीच 19 बार में इस्लामाबाद यूनाइटेड ज्यादा जीते, तो यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं भाई यहाँ पर। उसके बाद अगर दोनों टीम की फॉर्म पे अगर नजर रखा जाए तो देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट 5 मैच में यहाँ पर 3 मैच तो यहाँ पर आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड जीते हैं, और यहाँ पर कराची की लास्ट 5 मैच में 2 मैच जीते हैं भाई और 3 मैच हार गए। तो ये रोल रहा भाई टीम फॉर्म का, तो आपने देख लिया। अब जानेंगे दोनों टीम की लास्ट मैच की परफॉर्मेंस क्या रहा। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर बात किया जाए तो लास्ट मैच लाहौर कैलेंडर्स के खिलाफ 110 रन से हार गए थे। इस मैच में रहमानुल्लाह गुरबाज 23 रन बनाए भाई, कोलिन मुनरो 18 रन, टॉम कुरन तो अच्छे गेंदबाजी किए भाई, 4 ओवर में 34 रन देकर 3 विकेट लिए, सदाब खान भी 4 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट लिए। तो यहाँ पर बॉलर्स तो अपना इतना अच्छा तो बेस्ट नहीं दे पाए लेकिन भाई विकेट्स लिए। लेकिन वही अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हम जानेंगे अभी कराची किंग्स के, तो कराची किंग्स यहाँ पर लास्ट मैच में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कराची के मुल्तान सुल्तान्स को 66 रन से हराया था। इस मैच में आपको इमाद वसीम 57 रन बनाए थे 30 बॉल पे, 4 ओवर में 46 रन दिए, विकेट तो कुछ नहीं मिला। मैच्यू वेट अच्छे पारी खेले भाई, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका इनका स्ट्राइक रेट थोड़ा ढीला पड़े, लेकिन अच्छा प्लेयर है भाई, आप इनको जरूर रखिए, एक्सपीरियंस है। 53 रन बनाए 41 बॉल पे, मोहम्मद अमीर नाइस कमबैक, तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 4 ओवर में 26 रन देके 4 विकेट लिए। तबरेज शमसी 4 ओवर में 25 रन देके 1 विकेट लिया। तो ये रहा भाई दोनों टीम की लास्ट मैच की परफॉर्मेंस, आपने देख लिया। अब जानेंगे भाई यहाँ पर पॉइंट टेबल पे कितने पोजीशन पे, तो पॉइंट टेबल पे अगर देखा जाए तो देख सकते हो इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 में से 3 मैच जीते, 2 मैच हार के थर्ड पोजीशन पे, कराची किंग्स 7 में से 2 मैच जीते, 5 मैच हार गए भाई यहाँ पर, ये पांचवा पोजीशन पे। तो यहाँ पर अगर पॉइंट टेबल पे देखा जाए तो कराची किंग्स बहुत पीछे है भाई, और यहाँ पर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड मोर देन बेटर है कराची किंग्स के। और उसके बाद यहाँ पर आपको अभी जो मैं हम लोग ड्रीम इलेवन टीम बनाएंगे भाई, तो विकेट कीपर में यहाँ पर आपको मैं 2 प्लेयर यहाँ पर प्रेफर करूंगा, रहमानुल्लाह गुरबाज मैच्यू वेड है। तो रहमानुल्लाह गुरबाज अगर बात करें तो इस सीजन में 3 मैच खेल चुके हैं, 93 रन है, 166 की स्ट्राइक रेट है भाई यहाँ पर, इस ग्राउंड पर भी खेल चुके हैं, 2 मैच में 15 रन बनाए, यहाँ पर इनका खराब है लेकिन PSL स्टैट्स भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनकी स्ट्राइक रेट ओवरऑल T20 स्टैट्स है, तो आप ये देख सकते हो भाई। लेकिन भाई मैच्यू वेड की बात किया जाए तो इस सीजन में 7 मैच खेले भाई, 211 रन है, स्ट्राइक रेट आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत कम है, 118 की स्ट्राइक रेट है भाई। लेकिन इस ग्राउंड पे अगर इस टीम के खिलाफ अगर बात किया जाए तो यहाँ पर एक इनिंग खेले भाई, 18 रन बनाए, 100 के स्ट्राइक रेट मेंटेन किए, और PSL और इनकी T20 की स्टैट्स भी आप देख सकते हो। दे रहा भाई विकेट कीपिंग, इन दोनों विकेट कीपर को आप ले लीजिएगा। उसके बाद बल्लेबाजी डिपार्टमेंट में अगर बात किया जाए तो मैं 3 बैट्समैन के साथ जा रहा हूँ, राशि डूशन है भाई यहाँ पर, अगर इनकी बात की जाए सीजन में 5 मैच में 126 रन बनाए, 131 स्ट्राइक रेट है भाई, रीसेंट फॉर्म तो आपको ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ। हेड टू हेड अगर बात किया जाए इस टीम के खिलाफ भाई, 1 मैच खेलने 31 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 124 का था, और PSL और T20 का स्टार्ट सब देख लीजिएगा। उसके बाद अगर बात किया जाए भाई यहाँ पर हम बात करेंगे कोलिन मुनरो की, तो कोलिन मुनरो सीजन में 5 मैच में 154 रन बनाए, और यहाँ पर इनकी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है भाई, यहाँ पर 167 है। हेड टू हेड की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 4 मैच में 180 रन बनाए, एवरेज 60 है, स्ट्राइक रेट 147, तो इस टीम के खिलाफ इनकी जो रिकॉर्ड है काफ़ी बेहतर है। तो बॉलिंग तो पार्ट टाइम बॉलर है भाई, इनको आप अवॉइड कीजिएगा। वेन्यू बैट इस पिच पे अगर बात किया जाए 4 मैच खेले 109 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 151 का, यहाँ पर इस पिच पे यहाँ पर कोलिन मुनरो की स्टैट्स बहुत अच्छा है, तो आप इनका यहाँ पर पिक जरूर कीजिएगा भाई, इसलिए मैंने यहाँ पर टीम पर इनको रखा है। उसके बाद बात करेंगे भाई शोएब मलिक, तो एक्सपीरियंस है भाई, इस सीजन में 7 मैच में 175 रन बनाए और स्ट्राइक रेट 133 है, 3 इनिंग्स में गेंदबाजी करके 4 विकेट लिए, तो यहाँ पर एक ऑलराउंडर के रूप में यूज कीजिएगा। हेड टू हेड अगर इस टीम के खिलाफ बात किया जाए तो 17 मैच खेले 417 रन बनाए, 117 की स्ट्राइक रेट है, तो एक्सपीरियंस है भाई आप ले सकते हो। गेंदबाजी में अगर बात किया जाए 7 इनिंग्स में 1 ही विकेट मिले, तो यहाँ पर आप जान लीजिएगा शोएब मलिक यहाँ पर इस पिच पे ज्यादा बॉलिंग करते नजर नहीं आएंगे, तो यहाँ पर आप इनको ड्रॉप कर सकते हो। वेन्यू बैट अगर इस पिच पे बात किया जाए 2 मैच में 22 रन बनाए, 148 का स्ट्राइक रेट 61 है, वेन्यू बॉलिंग की बात करें बॉलिंग कम कर रहे हैं भाई, तो इसका मतलब है अगर आप शोएब मलिक को लेना चाहते हो तो एक बैट्समैन के रूप में यूज कीजिएगा, लेकिन आप बॉलिंग के रूप में आप यूज मत करना। अब बात करेंगे भाई यहाँ पर ऑलराउंडर्स की, तो ऑलराउंडर्स में यहाँ पर मैं 2 ही ऑलराउंडर्स को ले रहा हूँ, सदाब खान इमाद वसीम दोनों इस टीम का कप्तान है भाई यहाँ पर अपने अपने टीम के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सदाब खान 5 मैच में 20 रन ही बनाए इस सीजन में, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इनका बल्ला नहीं चल रहा, स्ट्राइक रेट भी बहुत कम है, लेकिन 5 इनिंग में 6 विकेट इनके नाम पे भाई ये देख लीजिएगा।
हेड टू हेड अगर बात किया जाए तो इस टीम के खिलाफ यहाँ पर 10 मैच में 164 रन बनाए, 141 की स्ट्राइक रेट है, बहुत कम है भाई, लगभग हर मैच में 16 रन बनाए, बहुत कम पड़ता है। और गेंदबाजी में अगर बात की जाए 15 इनिंग में 13 विकेट लिए, तो ये प्लस पॉइंट है भाई यहाँ पर इस टीम के खिलाफ। वेन्यू बैट इस पिच पे 4 मैच में 184 रन बनाए, तो यहाँ पर आपको बैटिंग भी नजर आ रहा है। वेन्यू बॉलिंग की बात की यहाँ पर विकेट कम लिए, लेकिन यहाँ पर इस टीम के खिलाफ इनका रिकॉर्ड काफी बेहतर है और इस पिच पे अच्छा रन भी बनाए, तो ये आपको नजर पे रखना है। पीएसएल ओवरऑल T20 स्टैट्स आप देख लीजिएगा भाई, तो शादाब खान काफी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। उसके बाद अगर बात किया जाए तो इमाद वसीम, तो यहाँ पर इमाद वसीम की बात किया जाए तो इस सीजन में 7 मैच में 237 रन बनाए, स्ट्राइक रेट देख लीजिएगा भाई 179-180 की स्ट्राइक रेट है, 7 इनिंग में 7 विकेट, तो परफेक्ट ऑलराउंडर है भाई यहाँ पर। और यहाँ पर इनका अभी जो फॉर्म है बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर इनको आप कैप्टन बना सकते हो। हेड टू हेड बैट की बात किया जाए तो इस ग्राउंड पे 14 मैच में 204 रन बना, 129 के स्ट्राइक रेट है और 16 इनिंग में 16 विकेट, तो यहाँ पर इस टीम के खिलाफ भी इनका रिकॉर्ड्स बहुत अच्छा है। और वेन्यू बैट अगर इस ग्राउंड पे बात किया जाए तो एक ही मैच खेले भाई, 32 रन बनाए, स्ट्राइक रेट यहाँ पर 213 का मेंटेन किया भाई, तो काफी अच्छे है। और 2 इनिंग में गेंदबाजी करके 1 विकेट लिया भाई। उसके बाद पीएसएल ओवरऑल की स्टैट्स आप देख सकते हो, तो ये रहा भाई ऑलराउंडर्स, हम लोग यहाँ पर दोनों ऑलराउंडर्स के साथ जा रहे हैं। अब गेंदबाजी में अगर देखा जाए तो मैं 4 गेंदबाज के साथ जा रहा हूं, देख सकते हो मोहम्मद अमीर है भाई इस ग्राउंड पे। अगर यहां पर इस सीजन में बात किया जाए तो 5 मैच में 5 विकेट लिए हैं भाई यहां, सॉरी 5 मैच में 5 इनिंग में 8 विकेट इनके नाम पे, लास्ट मैच में 4 विकेट है, कमाल की गेंदबाजी की है। अगर हेड टू हेड की बात किया जाए तो यहां पर बहुत कम रन है क्योंकि एक बॉलर है भाई यहां पर। देखिए गेंदबाजी में अगर बात किया जाए 17 इनिंग में 15 विकेट इनको मिला, तो यहां पर विकेट्स तो कमी है भाई यहाँ पर, क्योंकि 17 मैच में ज़्यादा विकेट लेना चाहिए, लेकिन फेस बॉलर्स को इतना मौका तो नहीं मिलता, तो आप इनको जरूर टीम पर रखिएगा। वेन्यू बॉलिंग की बात किया जाए तो इस ग्राउंड पे यहाँ पर 2 इनिंग में बॉलिंग किए भाई, 5 विकेट लिए, तो यहाँ पर मोहम्मद अमीर बहुत क्रूशियल पिक रहेगा भाई, ये स्टैट्स देख आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद तब्रेज शमसी की बात किया जाए तो 2 मैच में 2 विकेट 4 विकेट लिए भाई, पीएसएल और ओवरऑल T20 के स्टैट्स आप देख लीजिएगा, 2 मैच में 4 विकेट इनके नाम पे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक होगा। टॉम करन है भाई यहाँ पर, टॉम करन 4 मैच में यहाँ पर 21 रन बनाए और 6 विकेट इनके नाम पे भाई, तो रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो। हेड टू हेड अगर बॉल की बात किया जाए तो यहाँ पर एक इनिंग में यहाँ पर 2 विकेट लिए और पीएसएल के भी स्टैट्स आप देख सकते हो, तो टॉम करन काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। हसन अली यहाँ पर जब से कम बैक किया भाई, ये भी बहुत अच्छे गेंदबाजी कर रहे हैं, तो अगर इनकी बात किया जाए तो इस सीजन में 3 मैच में 3 इनिंग्स में 7 विकेट इनके नाम पे। अगर बल्लेबाजी सेक्शन पे देखा जाए तो 5 मैच में 29 रन है हेड टू हेड इस टीम के खिलाफ, लेकिन गेंदबाजी में अगर देखा जाए तो हेड टू हेड बॉलिंग पे अगर देखा जाए तो इस टीम के खिलाफ 14 मैच में 17 विकेट इनके नाम पे, तो भाई काफी इंपॉर्टेंट है। वेन्यू बैटिंग की बात की इस ग्राउंड पे 2 मैच खेले भाई 13 रन बनाए। वेन्यू बॉलिंग की बात किया जाए तो 4 मैच में 4 विकेट है, पीएसएल के स्टार्ट्स आप देख लीजिएगा, तो आप देख सकते हो भाई यहाँ पर गेंदबाजों में 4 गेंदबाजों के साथ जा रहा, तो भाई जो जो प्लेयर्स को मैंने एक्सप्लेन किया वही मेरा फाइनल टीम है भाई। आप देख सकते हैं यहाँ पर विकेट कीपिंग पे मैथ्यू वेड, रहमानुल्ला गुरबाज है, और बल्लेबाजी सेक्शन पे यहाँ पर आपको शोएब मलिक, कोलिन मुनरो, राशिद वांडर, डुसेन है। ऑलराउंडर सेक्शन पे यहाँ पर इमाद वसीम, शादाब खान है भाई। और गेंदबाजी डिपार्टमेंट में अगर बात किया जाए तो मोहम्मद अमीर, टॉम करन, तब्रेज शमसी, हसन अली है। तो ये जो टीम आप देख सकते हो भाई, कैप्टन वाइस कैप्टन पे मैं आपको दोनों ऑलराउंडर्स को बनाने के लिए सलाह दूंगा। तो भाई सब कुछ आपने तो आपको आपने देख लिया, सब कुछ स्टार्ट सबको मैं पूरी डिटेल से एक्सप्लेन किया, लेकिन फाइनल टीम जो होगा भाई आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन कर चुका हूँ, अगर लिंक ओपन नहीं होता उसके लिए क्या प्रोसेस है चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे चैनल का नाम है फैंटेसी विद शत्रुघ्न चौबेन भाई, तो यहाँ पर आपको सब कुछ अपडेट दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा मैचेस नहीं कवर करते, जो इंपॉर्टेंट मैच है भाई उसी को कवर करते हैं और उसमें आपको सारे डिटेल्स देते हैं, क्योंकि अब 10 मैच कवर कीजिए और ढंग से इंफॉर्मेशन ना दे तो बहुत गंदा लगता है भाई, इसलिए आपको मैं एक ही मैच कवर करता हूँ, परफेक्ट रहता है भाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर लगभग 2900 यूजर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लेना भाई, क्योंकि आपको बहुत मदद मिलेगा, क्योंकि काफ़ी इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं, तो अगर लिंक ओपन नहीं होता उसके लिए क्या प्रोसेस है आपको मैं बता दूंगा। तो टेलीग्राम पे जाके आपको इस प्रकार सर्च कर लेना भाई, @शत्रुघ्न225, अगर इस प्रकार सर्च करेंगे तो आपको मेरे चैनल से हो जाएगा, तो यहाँ पर काफ़ी जैसे अपने लॉस को रिकवर किए। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कुछ भी पूछना था आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो भाई, उसका भी यहाँ पर आपको मैं रख चुका हूँ सिस्टम, आप मुझे मैसेज कीजिए, कोई भी डाउट है प्लेयर की स्टैट्स में, पिच रिपोर्ट में, तो आपको मैं बहुत काफ़ी मदद करूँगा, आपकी जितने भी लॉसेस है मैं 100% नहीं भाई 200% अपना बेस्ट दूंगा। और आपको ये फ्री चैनल है भाई, यहाँ पर आपको 1 रुपया भी नहीं लग रहा, आप यहाँ पर बिना पैसे लगाएं सारे इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर जान सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना भाई, और मेरे टेलीग्राम चैनल को
में जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ ज्वाइन करेंगे तभी ही आपको फायदा मिलेगा। तो भाई यहाँ पर आपको मैं 10 लाख की टारगेट रखा था, इसको आप जल्दी से रीच कर लीजिएगा भाई, क्योंकि अगर आप रीच करेंगे तो हम लोग को भरोसा हो जाएगा अपना काम मैंने काम बेहतरीन कर रहे हैं, आपकी सपोर्ट की काफ़ी जरूरत है। थैंक यू, जय हिंद।